हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ITI बिल्डर पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चैनल सब्सक्राइब करने से जो है आपको जितने भी वीडियोज हम अपलोड करेंगे वो आपको जो है समय समय पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा और जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ITI में पास होने के लिए कितने नंबर लाना ज़रूरी है, यानी ITI के अभी एग्जामिनेशन हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं सोच रहे होंगे कि कितना मार्क्स आ जाए ताकि हम ITI पास कर जाएं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कोई कितना नंबर लाना है आपको, किस सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखिए, इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपको इतने नंबर लाना है और इतने नंबर में आप पास हो जाइएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा टेबल आ चुका है, मतलब किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाना है पास होने के लिए। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो पहला है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी जो आपके होते हैं 150 नंबर के होते हैं, यानी 150 नंबर के, और उसमें जो है पास होने के लिए 25% यानी लगभग 37.5 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ट्रेड थ्योरी में जो है 150 नंबर के एग्जामिनेशन होते हैं और पास होने के लिए उसमें मात्र 37.5 नंबर यानी 37.5 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर आप इतना नंबर ला देते हैं ट्रेड थ्योरी में तो आप पास हो जाइएगा। ट्रेड थ्योरी में जो सेशनल मिलते हैं वो 20 नंबर के होते हैं सेशनल, जो आपके ITI कॉलेज से इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिए जाते हैं। 20 नंबर जो सेशनल होते हैं वो आपके सेशनल वर्क पे दिए जाते हैं 20 नंबर। अगला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है पूरे 50 नंबर की होती है और इसमें भी पास होने के लिए 25% मार्क्स चाहिए। 25% यानी 12.5 हुआ, 50 का 25% 12.5 हुआ, तो आप 12.5 नंबर ला देते हैं अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो इसमें आप पास हो जाइएगा। अगला है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये जो है ये भी 75 नंबर के होते हैं और इसमें पास होने के लिए मात्र 25% यानी 18.75 नंबर लाना ज़रूरी है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए। तो दोस्तों, ये जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, तो ये दोनों एक ही दिन होता है, ये दोनों के एग्जामिनेशन एक ही दिन हुआ होगा और क्वेश्चन पेपर दो भाग में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको मिला होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और पार्ट बी में आपको मिला होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 12.5 नंबर पास होने के लिए और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 18.75 नंबर ज़रूरी है पास मार्क के लिए। और इसमें जो सेशनल मिलते हैं 10 नंबर के सेशनल मिलते हैं, जो आपके ITI कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं। अगला है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपको 75 नंबर के होते हैं, जिसमें पास होने के लिए 18.75 नंबर लाना इसमें भी ज़रूरी है। यानी अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो जो है अगर आपको लगता है कि 18.75 नंबर का हम बना दिए हैं, ड्रॉ कर दिए हैं, तो जो है आप पास हो जाइएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सेशनल मिलते हैं वो पूरे 20 नंबर मिलते हैं, सेशनल 20 नंबर के होते हैं। अगला है ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल जो है 270 नंबर के होते हैं और इसमें कोई पास मार्क नहीं है, और इसमें जो सेशनल होते हैं 30 नंबर के होते हैं, जो आपके ITI कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसमें जो है ट्रेड प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण लगता है आपके मार्क्स को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में जो है ट्रेड प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे जो है 300 सेशनल और पेपर मिला के पूरे 300 नंबर के होते हैं। तो ये पास मार्क था आपके एग्जामिनेशन पास करने के लिए, तो इससे पता लगा सकते हैं इससे कि आपको कितना मार्क्स आएगा और आप एग्ज़ाम पास कीजिएगा। चलिए, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।